ओम श्री परमात्मने नमः। रामचरितमानस के अनुसार राम, प्रभु श्री राम एक आदर्श महापुरुष हैं, जो धर्म, मर्यादा, नीति, सत्य, अहिंसा, अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम नियम जैसे यौगिक बिंदुओं का पालन करते हुए धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करते हैं। दूसरी तरफ रावण है, जो अंधकार, अविद्या, मोह, छल, कपट, राजनीति, कुटिलता और आसुरी माया के बल पर अपना राज्य स्थापित करता है। भगवान श्री राम अपनी माता के आदेश से वनवास जाते हैं और वन वन भटकते हैं, ऋषि मुनियों से मिलते हैं और धर्म, अध्यात्म, भक्ति, योग पर डिस्कशन करते हैं। रावण लंका में रहता है, उसने सोने की लंका बना रखी है, दुनिया का सारा वैभव उसके पास, देवी देवता उसके गुलाम, और वह पृथ्वी पर भ्रमण करता है। जो भी वस्तु, जो भी चीज़ उसे पसंद आती है, वो उसे बलपूर्वक छीन लेता है, चुरा लेता है, उसे कुबेर का विमान पसंद आया तो वो उसे छीन लाया। मन की गति से चलने वाला यंत्र उसके पास है, वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और जो भी वस्तु, पदार्थ, स्त्री उसे पसंद आती है, उसे वो छीन लेता है। तो वह अब अविद्या, अंधकार, अज्ञान और तिमिर का प्रतीक भी है। और राम, प्रभु श्री राम सत्य, धर्म, न्याय, नीति और विद्या, प्रकाश के प्रतीक हैं। तो राम रावण युद्ध जो है, वो एक तो मन की दो वृत्तियां हैं, दैवी आसुरी, उस तल पर भी होता है। लेकिन इसे हम ऐसे समझें कि वैभव जो होता है वो सत्य धर्म पर चलने वाले जो लोग हैं उनके पास भी होता है, असत्य, अधर्म और मायिक लोग हैं उनके पास भी होता है। जब तक शरीर है तब तक आप उसको भोग सकते हो, मृत्यु के बाद ना तो आप संसार के भोगों को भोग सकते, ना ही जीवन को। तो राम भी भगवान शिव के भक्त हैं, उपासक हैं, पूजक हैं, और रावण भी भगवान शिव का भक्त है, उपासक है, पूजक है। परमात्मा की उपासना और भक्ति करके जो शक्ति, जो ऊर्जा मिलती है, यदि आप उसको निगेटिव, नकारात्मक दिशा में लगा देते हो तो आप रावण के जैसे हो, और सद्धर्म, सत्कर्म में लगाते हो तो आप भगवान श्री राम के जैसे हो। मृत्यु तो रावण की भी हुई और भगवान श्री राम की भी, शरीर स्तर पर। लेकिन यहाँ सीखने योग्य बात यह है कि भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ है, तो परमात्मा त्याग में, वैराग्य में, सर भक्ति में, योग में विद्यमान है, समाधि में उसकी प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, तो धन दौलत वही है जहाँ अंधकार, छल, छदम और माया है। तो उसी प्रकार से रावण के पास जो वैभव है वो मायिक है, आसुरी है, और राम के पास जो वैभव है वो दैवी है, आध्यात्मिक है, प्रकाश में है। तो संसार में भी जब लोग झगड़ा करते हैं तो दो ही वृत्तियां होती हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट, दैवी और आसुरी।
जिस इष्ट के वो उपासक हैं दोनों, भगवान शिव के, और शिव का स्वरूप निर्गुण निराकार है, निर्दोष है, निर्मल है, निश्चल है, सम शांत स्थिर है, वो हैं दोनों ही परमात्मा के उपासक। देखा जाए तो आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति दोनों वृत्तियां परमात्मा से ही संचालित हैं। एक अविद्या अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पड़ा भवकूपा, और एक रचय गुणवश जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या है जिसके कारण ये मनुष्य माया में, संसार में, मोह माया वासना में फंसा हुआ है, और दूसरी विद्या है जिसके प्रकाश से मन में अनुराग, वैराग, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, विवेक आदि भावों का विकास होता है। और दोनों प्रकार की वृत्तियों से जब मुक्ति मिलती है तब आपका मोक्ष होता है। तो हमारे मन में जो आसुरी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, मद, मत्सर, डाह, जलन, ये आसुरी वृत्तियां रावण की सेना या रावण का परिवार है, ये अनंत हैं। दूसरी ओर दैवी वृत्तियां हैं, वो राम की सेना है, जैसे विवेक, वैराग्य, सम, दम, त्याग, तितिक्षा, अनुराग, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, विवेक, ये दोनों वृत्तियां दैवी और आसुरी हैं। दोनों वृत्तियों से मुक्त होना ही मोक्ष है। दोनों वृत्तियों से मुक्त होना ही मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए दोनों प्रकार की वृत्तियों से मुक्त होना है। इसके लिए एक साधक को ध्यान करना होता है। एक साधक के अंतःकरण में ये युद्ध होता है दैवी और आसुरी वृत्तियों का, और दोनों वृत्तियों से मुक्त होना मोक्ष है। इसके लिए योग साधना है। योग साधना में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम का पालन करें, मानसिक परमात्मा का चिंतन करें, साधना के अंगों का पालन करें। साधना को किसी सिद्ध सद्गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। तो रावण के पास भी सब कुछ है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, लंका है, लेकिन वो अत्याचारी है, क्रूर है, असुर है, राक्षस है। और भगवान श्री राम के पास भी वो सारा वैभव है, लेकिन उनके पास धर्म है, सत्य है, अहिंसा है, अस्ते है, ब्रह्मचर्य नीति है, मर्यादा है। तो अब जीवन के दो डायमेंशन है, कि आप रावण के जैसा जीवन जीना चाहते हो या राम के जैसा। यदि आप रावण के जैसा जीवन जियोगे तो आपका अंत रावण के ही जैसा होगा, और यदि आप जीवन को भगवान श्री राम के जैसा जीना चाहते हो तो आपका जीवन राम के समान होगा। तुलसीदास बाबा ने कहा कि रामाकार बहे जिनके मन, मुक्त हुए छूटे भव बंधन। योग साधना करते करते जिनका मन राममय हो गया, राम रूप हो गया, वो भव बंधनों से, मोह माया से मुक्त हो गए और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो रामचरित मानस, मानस कहते हैं मन को, मन के अंतराल में जो प्रसंग हैं भावनाओं के, विचारों के, उनको समझने का एक प्रक्रिया है रामचरित मानस, कि आपका चरित्र कैसा है, राम के जैसा, रावण के जैसा, कुंभकर्ण के जैसा। आप अपने आप को देख सकते हो रामायण में, कि रामायण एक दर्पण के जैसा है, एक दर्पण के समान है जिसमें हम स्वयं की प्रतिबिंब परछाई को देख सकते हैं। तो भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके स्वयं सरयू में अपनी सेना के साथ समा जाते हैं। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि बही सुहावन त्रिविध समीरा, बही सरयू अति निर्मल नीरा, जा मंजन से विनय प्रयासा, मम समीप नर पावई भाषा, अतिशय प्रिय मो यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुग्रासी। तो परमात्मा के
भक्ति से ही जीवन के सभी दुखों का अंत संभव है। आप निर्भर ही होना चाहते हो तो परमात्मा के प्रति निर्भर रहो। यदि आप मनुष्यों पर आत्मनिर्भरता छोड़ोगे तो वो आपका शोषण कर लेंगे, क्योंकि वो खड़यंत्र षड्यंत्रकारी लोग हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट है माया से। वो धन दौलत ऐश्वर्य के लिए नाना प्रकार के छल कपट और झूठ बोलते हैं, जो जितने बड़े अपने आप को पदाधिकारी समझते हैं वो उतने छल कपट से भरे हुए हैं। दूरताई भरी है उनके अंदर। तो परमात्मा के प्रति समर्पित हो, परमात्मा के प्रति समर्पित होके भक्ति करोगे तो परमात्मा आपको मुक्ति देगा। परमात्मा स्वरूप में स्थित सदगुरु का सानिध्य आपके लिए सर्वोपरि है। और इधर उधर के जड़ जीवों के पास क्या है? तो आपकी बुद्धि में जो द्वैत है, जो माया है, उससे मुक्त होने के लिए साधना करो, अद्वैत अवस्था को पाओ। साधना को सीखना है तो आप योग दर्शन पढ़ सकते हो और अपने आत्म उद्धार के लिए प्रयास करो। ओम श्री परमात्मने नमः।